हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के थर्ड चैप्टर, यह नया चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत में आपको ज्ञात है कि तत्वों की संख्या जो थी बहुत कम थी। ऐसे रामचरितमानस में महर्षि तुलसीदास ने कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। मतलब इस शरीर और इस सृष्टि की रचना पांच तत्वों से हुई है, क्षिति यानी धरती, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी हवा। इन पांच तत्वों से हुई है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो है कुछ तत्वों की खोज होने लगी। आपको ज्ञात होगा कि मानव के द्वारा संसार में सबसे पहला तत्व खोजा गया था 5000 ईसा पूर्व में बीसी में, वह तांबा था। बाद में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के बाद जो है नए नए राजवंशों का उदय हुआ और भारत में लोहा जो है उसके बारे में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पता चलता है कि लोहे की खोज भारत में हुई थी। ऐसे लोहे की खोज जो है सर्वप्रथम एशिया माइनर के हिटाइट नामक नगर में हुआ था, हिटाइटों के द्वारा। वहां के रहने वाले लोग जो थे जंगली लोग, उन्होंने लोहे की खोज की थी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोहे की खोज के बाद जो है भारत में साम्राज्यों का गठन शुरू हो गया। आप ये भी जानते हैं कि चूंकि मगध जो था इसके पास लोहे के व्यापक भंडार थे, तो बाद के वर्षों में मगध ने संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि लोहा एक सख्त धातु थी। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। तत्वों की खोज के साथ तत्वों को सजाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। तत्वों का वर्गीकरण, समान गुण वाले तत्वों को एक समान वर्ग में सजाने की प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई दुकानदार है, किराना दुकानदार है, तो उसके पास चीनी है, दाल है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सामानें हैं और सबको वो एक जगह मिलाते। तो अगर कोई चीनी मांगेगा तो उसको खोजने के लिए दिक्कत होगा, रहर का दाल अलग मांगेगा, चना का दाल अलग मांगेगा, मसूर का दाल अलग मांगेगा। अब देखिएगा दुकानदार के रैक में साबुन के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, लक्स का अलग है, लिरिल का अलग है वगैरह वगैरह, पाउडर का अलग होता है, पेस्ट का अलग होता है। तो उसी प्रकार कंटेनर में वह वस्तुओं को सजा कर रखता है। तो उसी प्रकार तत्वों को सजाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें समान कैटेगरी के जो तत्व थे उनको एक वर्ग में रखा गया। इसको जो है तत्व का वर्गीकरण कहा जाता है। प्रोस्ट जो थे उन्होंने पहला प्रयास किया था तत्वों को सजाने का, और उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि जिसमें अगर परमाणु के मूलभूत इकाई को हाइड्रोजन मान लिया जाए तो उनको जो है सभी परमाणु जो है, क्योंकि दुनिया के जितने भी तत्व हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु को मूलभूत इकाई माना जाए जिससे अन्य सभी परमाणु बने हैं। इस सिद्धांत को एकात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बाद के वर्षों में डोवेनियर ने एक त्रियक की रचना की। उन्होंने बताया कि तत्वों का वर्गीकरण ऐसे किया जाता है, तीन तत्वों को उन्होंने लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के। लिथियम का परमाणु भार जो है वह होता है, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और पोटेशियम का परमाणु भार जो है 39 होता है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि प्रथम और अंतिम तत्व, इन दोनों के परमाणु भार को अगर जोड़ दिया जाए, यानी एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए और उसका औसत निकाल लिया जाए, तो हमें बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास पता चल जाता है। 39/7 46/2 = 23
तो डोबिनर का यह जो त्रियक था यह भी ज्यादा चला नहीं, क्योंकि सभी तत्वों को इस प्रकार व्यक्त करने की संभावना नहीं थी। बाद में न्यूलैंड्स ने भी अपने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने 8 तत्वों को एक क्रम में सजाने का, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जैसे संगीत में 7 अक्षर होते हैं, संगीत के जो ध्वनियां होती हैं सा रे ग म प ध नी और फिर सा आता है, उसी प्रकार जो है 8वां तत्व, 7 तत्व तो चलेंगे, 8वां तत्व जो है पहले तत्व के समान होगा। लेकिन बाद के वर्षों में यह भी नियम जो था अधिकतर तत्वों पर लागू नहीं हुआ और यह भी फेलियर कर गया। उसके बाद लूथर मियर ने परमाणु भार और परमाणु के आयतन के बीच जो है एक वक्र बना करके तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास जो है 1869 में किया। यह भी प्रयास जो है कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन दुनिया में पहला आवर्त सारणी यानी तत्वों के रहने का जो घर था उसका खाका तैयार करने का जो श्रेय है वह रूसी वैज्ञानिक मेंडलिप के पास जाता है। 1863 में उन्होंने तत्वों को एक आवर्त सारणी में सजाने का प्रयास किया। इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया गया और इस प्रकार एक आवर्त सारणी की रचना हुई। मेंडलिप ने अपने आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ताकि भविष्य में उन तत्वों की खोज होगी तो वे इन स्थानों पर आएंगे। बाद के वर्षों में चूंकि मेंडलिप के समय नोबल गैसेज यानी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो नोबल गैस के खोज के बाद, इनर्ट गैस के खोज के बाद उन तत्वों को उन जगहों पर सजा दिया गया। 1917 में मोसले नामक वैज्ञानिक ने इन सारे जो अब तक जो सिद्धांत दिए गए थे परमाणु के वर्गीकरण के, तत्वों के वर्गीकरण के, इसमें परमाणु भार को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया था। मोसले ने परमाणु संख्या के नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलिप ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार मोसले के द्वारा मॉडर्न रूप का जो है आधुनिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का निर्माण किया गया और इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया और इस प्रकार जो है तत्वों का वर्गीकरण हुआ। अब आवर्त सारणी के जब भागों पर हम विचार करते हैं तो आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग हैं, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या जो है वह 14 है, पी ब्लॉक में 30 तत्व हैं, डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं और एफ ब्लॉक में 28 तत्व हैं। एफ ब्लॉक जो है, जो आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर 2 लाइन देखते हैं जिसको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स कहा जाता है, वे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बीच वाला हिस्सा है उसको डी ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें 1B से लेकर के 8 तक के तत्व शामिल है। इसमें तत्वों की संख्या 40 है। पी ब्लॉक में 30 तत्व है जो बोरॉन से शुरू होता है और एक्टिनियम एटे 3 पर जाकर खत्म होता है
और एस ब्लॉक यह हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, एक ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट ए तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो दो दो चार दो छ एक सात। फिर है इसमें बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सब जो तत्व हैं, चार आठ बारह आठ बीस, बीस अठारह अड़तीस नंबर का तत्व होगा यहां, परमाणु संख्या अड़तीस, अड़तीस अठारह छप्पन, छप्पन और बत्तीस अठासी, यहां पर रेडियम होगा, रेडियम अट्ठासी, और यहां पर होगा चैप्टर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, अब हम इसको रिटेन में आते हैं। विथ द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज बिकेम डिफिकल्ट टू स्टडी ऑफ द एलिमेंट। जब बहुतायत संख्या में तत्वों की खोज होने लगी तो उनको उनके अध्ययन में असुविधा उत्पन्न होने लगी इंडिविजुअली। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज डन टू मेक द स्टडी ऑफ स्टडी इजियर। इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई जिससे अध्ययन की सुविधा आसानी तरीके से हो। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफाई एलिमेंट्स, शुरुआत में जो प्रयास किए गए तत्वों के वर्गीकरण के, उसमें पहला था मेनी अटेम्प्ट्स वी आर मेड टू क्लासिफाई द नॉन एलिमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय दर समय जो है बहुत सारे प्रयास किए गए थे तत्वों के वर्गीकरण के लिए। द अर्लियर अटेम्प्ट्स आर एज फॉलोज, जो शुरुआती प्रयास थे उनमें से पहला था प्राउस्ट का परिकल्पना। प्राउस्ट ने अपनी परिकल्पना को 1815 में प्रस्तुत किया। प्राउस्ट हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन एटम वाज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट। अगर हाइड्रोजन परमाणु को मूलभूत इकाई मान लिया जाए, फ्रॉम विच ऑल अदर एटम्स वी आर मेड, और ये माना जाए कि सभी जो परमाणु हैं वह इससे बने हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिटरी थ्योरी, इसको एकात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद का जो प्रयास था वह डोबेनेरियर का था, वो उन्होंने त्रियक की सहायता से इसे समझाने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। दूसरा प्रयास 1829 में डोबेरिनियर्स के द्वारा किया गया, उन्होंने एक त्रियक का निर्माण किया। उन्होंने जो त्रियक बनाया था वह त्रियक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा त्रियक बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और तीसरा त्रियक जो बनाया था, तीन त्रियक ही बना पाए डोबेरिनियर, उनसे ज़्यादा त्रियक का निर्माण नहीं हो पाया। तीसरा जो था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट और अंतिम एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे उनको जोड़ा और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। तो लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39। तो मीन जब निकालते हैं तो मीन इक्वल क्या हो, अर्थमेटिक मीन, ए एम बराबर क्या होगा, ए एम बराबर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन यानी गणितीय माध्य बराबर 7 प्लस 39 बटे दो, दो एलिमेंट थे, दो बराबर 46 बटे दो, 23 दुनी 46।
क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का होता है मान 126.9 तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 35.5 यानी 35.5 जोड़ 126.9 बटा दो, जोड़ते हैं 9, 5, 14, 6, 5, 11, 12, 2, 3, 5, 1, 6 और ये जो है 162/2, 2, 8, 16, 2, 1, 2, 0.2, 81.2 आता है, जो लगभग जो है ये 79.9 होता है ब्रोमीन का, इसके लगभग बराबर है, मतलब 80 के बराबर है, ये 81 आया था। और तीसरा कैल्शियम, कैल्शियम का 40 और बेरियम का होता है 137, तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 40+137/2 इक्वल 7, 7, 1/2, 2, 8, 16, 2, 8, 16.5, ये जो मीन है वह आता है, 88.5, जबकि स्ट्रॉन्शियम का जो मान होता है एटॉमिक मास ये होता है 87.5। तो डोवेनियर ने इस प्रकार जो है इन तीन त्रियकों का निर्माण किया, थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, डोवेनियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स इन थ्री एलिमेंट्स, एक ग्रुप में तीन तत्व थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनके समान गुण थे, इन सच ए मैनर सो दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, जो दो अन्य तत्व हैं उनका जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, उसका अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो बीच वाले तत्व का जो है एटॉमिक मास होगा। इस प्रकार उन्होंने जो है इस त्रियक की रचना की लिमिटेशन, लेकिन उनकी सीमा क्या रही, डोवेनियर कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, उन्होंने सभी तत्वों को उस समय जो 1829 में उनके समय में जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को इस प्रकार नहीं सजा पाए, द एलिमेंट्स नन एट द टाइम इन टू ट्राइड्स, उस समय जो ज्ञात थे उनका त्रियक नहीं बना पाए, और इस प्रकार डोवेनियर का ट्राइड्स जो था, त्रियक जो था वह फेलियर हो गया। अब इसके बाद न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, न्यूलैंड्स ऑक्टेप्स, 1864 में न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, जैसे संगीत में 7 अक्षर समान होते हैं सा रे ग म प ध नी और 8वां अक्षर फिर सा आता है, उसी प्रकार न्यूलैंड्स ने कहा कि न्यूलैंड्स स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है, एवरी 8th एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज है सिमिलर, तो इस प्रकार जो 8वां तत्व होता है उसके गुण पहले तत्व के समान होते हैं, सिमिलर टू द फर्स्ट जस्ट लाइक इन म्यूजिकल नोट, जैसे जो संगीत की ध्वनियां हैं सारे गामा पाधा नी फिर 8वां स्वर जो है वह सा आता है, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स। तो देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पहला था, दूसरा जस्ट लाइक इसके समान था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सल्फर क्लोरीन, और तीसरा रॉ में उस समय जो गया था पोटेशियम और कैल्शियम। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम के गुण, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण एक समान थे, ठीक है। लिमिटेशन, इसकी सीमा क्या थी? द क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल अप टू द एलिमेंट्स कैल्शियम, या कैल्शियम तक तो ही सही साबित हुआ, लेकिन जब बाद में बड़े बड़े एलिमेंट की, बड़े आकार वाले एलिमेंट की खोज हुई, वे नोबेल गैस और अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वह डिस्टर्ब होने लगा, उस वह प्रभावित होने लगा, और इस प्रकार न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वह फेलियर हो गया। इसके बाद 1869 में लोथर मेयर ने अपने लोथर मेयर वक्र की सहायता से तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। आप अगले वीडियो में लोथर मेयर और मेंडलिप के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज जो है हमने तत्वों के वर्गीकरण पाठ को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।